हेलो गाइस दिस इज रॉबिन योर केमिस्ट्री एजुकेटर फ्रॉम मैनुअल केमिस्ट्री आई होप यू ऑल आर गोइंग गुड सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डाजेंस रिएक्शन इन डिटेल इफ एनी फॉलो माय वीडियोस स्पेशली ऑन नेम रिएक्शन देन दे आर ऑलरेडी फेमुलर विथ माय थ्री स्टेप्स मैथड थ्रू विच वी कैन कम्प्लीट एनी नेम रिएक्शन तो वो तीन स्टेप क्या है जिसके थ्रू हम लोग बड़े आसानी से कोई भी ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन को समझ पाते हैं तो देखिये सबसे पहले में हम लोग बात करते हैं उस पार्टिकुलर नेम रिएक्शन के स्टेटमेंट के ऊपर स्टेटमेंट के थ्रू ही हम यह जान पाते हैं कि आखिर उस पार्टिकुलर नेम रिएक्शन में किस टाइप का रिएजेंट सबस्ट्रेट सबस्ट्रेटरेचर आप यह और भी कोई इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है वो सभी कुछ का इंफॉर्मेशन हमें इसी स्टेटमेंट के थ्रू पता चल पाता है आप ओवरऑल इसको ऐसे समझ सकते हो कि इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप उस पार्टिकुलर नेम रिएक्शन का एक से जेड तक इंफॉर्मेशन समझ लेते हो अब हमें यह तो पता चल गया स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कि आखिर कौन सा रिएजेंट रिएक्टेंट और किस टेम्परेचर या फिर किस कंडीशन में जो है वो रिएक्शन होगा और किस टाइप का प्रोडक्ट देगा लेकिन ये होता कैसे है रिएक्शन तो इसके लिए फिर हमें सेकेंड स्टेप फॉलो करना पड़ता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं मैकेनिज्म मैकेनिज्म स्टेप स्टेप के थ्रू ही हम लोग ये समझ पाते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो आखिर हो कैसे रहा है फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है हम ये जान गए कि कुछ रिएक्शंस होता है उस, उससे रिलेटेड एक एक यूनिक प्रोडक्ट बनता है यह हुआ कैसे यह सेकेंड स्टेप मैकेनिज्म के थ्रू पता चलता है अब जब सब कुछ जान गए तो थर्ड स्टेप में हम लोग इसका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं कि अब हम इस पार्टिकुलर रिएक्शन को जो है कहाँ कहाँ अप्लाई करके और किस टाइप के अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स कर पाते हैं तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जो सबसे पहले बात करेंगे स्टेटमेंट्स ऑफ डार्जेंस रिएक्शन तो स्टेटमेंट में यह कह रहा है कि सबसे पहले हमें कंडेंसेशन रिएक्शन करना होगा तो कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए अब हमें क्या चाहिए कार्बोनिल ग्रुप का कोई भी कंपाउंड जो है वो चलेगा और दूसरा कौन सा चाहिए दूसरा हमें चाहिए कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन करने के लिए अल्फा हेलो एस्टर लेकिन यहां ध्यान रखना है कि हमें वैसा ही अल्फा हेलो एस्टर लेना है जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम हो अगर आपको कोई भी अल्फा हेलो एस्टर मिलता है कंपाउंड जिसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं हो प्रेजेंट तो आप यह समझ लेना कि वो जो है हो ग्रुप से जो है, हम कोई कंपाउंड ले ले और एक हो जाएगा, अल्फा एस्टर जिसमें एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन एटम तो होना चाहिए और ये दोनों रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तब जाके जो है हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम हो जाएगा अल्फा बीटा इपोक्सी एस्टर और इसी को हम लोग एक कॉमन नेम भी कहते हैं जो बहुत ही पॉपुलर होता है जो क्या हो जाता है ग्लाइक, एस्टर तो एस्टर का जो है फॉर्मेशन होगा इस रिएक्शन के थ्रू तो ये हमारा था स्टेटमेंट पार्ट आई होप क्लियर हो गया होगा क्या क्या बुलेट पॉइंट्स निकल के आते हैं सबसे पहला हो गया कंडेंसेशन किसका कार्बोनाइल ग्रुप से रिलेटेड कंपाउंड का दूसरा क्या हो गया अल्फा हेलो एस्टर एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम और ये रिएक्शन अकर करेगा इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस और फाइनली वी विल गेट एन ग्लाइकिन लाइसेडिक एस्टर या फिर आप कह लो अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर अब नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम लोग इसके मैकेनिज्म के ऊपर जो है डिटेल स्टडी करेंगे तो ये हमारा क्या है ये हम लोग एक कंपाउंड ले रहे हैं जो क्या है जिसमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है और उसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं ये हम लोग ले रहे हैं अल्फा हेलो एस्टर देखिए ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है इसमें और ये अल्फा पोजीशन है ठीक है ये अल्फा ये एस्टर है पूरा आप देख पा रहे होंगे ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है इस कंपाउंड में और ये अल्फा पोजीशन है और अल्फा पोजिशन पे एक्स है एक्स का मतलब क्या है हेलोजन ग्रुप है इसीलिए इसका नाम क्या हो गया अल्फा हेलो एस्टर और मजे की बात क्या है इसके अल्फा पोजिशन पे जो है एक हाइड्रोजन एटम भी है कैसे तो देखिए यहां पर ये जो कार्बन है ये एक तो बॉन्ड एक्स के साथ बना रहा है एक इस अल्काइल

इसलिए यहां एस्टर हम लोग लिख रहे हैं इपॉक्सी ग्रुप क्यों बन रहा है क्योंकि देखे ये अल्फा है और ये बीटा पोजिशन है अल्फा बीटा पोजिशन जो मिलके जो है इपॉक्सी ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है इसलिए इसका नाम ही हो गया अल्फ़ा बीटा इपोक्सी एस्टर मतलब ऐसा कंपाउंड जो एस्टर फंक्शनल ग्रुप कंटेन कर रहा हो और साथ ही साथ उसके अल्फ़ा और बीटा पोजीशन जो है पार्टिसिपेट कर रहे हो इपोक्सी ग्रुप में इसीलिए तो उसको इसका नाम क्या पड़ गया अल्फ़ा बीटा इपोक्सी एस्टर आई होप इतना क्लियर हो गया अब चलिए इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं फटाफट से अब देखिए मेकेनिज्म का फर्स्ट पार्ट देखते हैं सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे इसको लेते हैं यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं अल्फा हेलो एस्टर है ठीक है तो अल्फ़ा हेलो एस्टर है और ये हमारा क्या है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल रखा था अल्फा हेलो एस्टर होगा और एक कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड होगा वो रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा बेस के प्रेजेंस में तो बेस को चाहिए मोस्ट एसिडिक ठीक है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम चाहिए तो आप देख पा रहे हो कि ये जो दोनों हाइड्रोजन एटम है ये बहुत ही मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम है तो यहां से क्या हो जाएगा आप बड़े इजीली देख पाना कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है या तो चाहो आप ये निकाल लो या फिर ये तो मैं ये हाइड्रोजन एटम निकाल लेता हूँ ये जैसे निकले आप बाउंड ब्रेक करेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और ये बेस जो है ये या इस एसिड एसिडिक हाइड्रोजन आइटम को अपनी और अट्रैक्शन करेगा और यहाँ पर होगा एसिड बेस रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शन का कैसा नेचर होता है बहुत ही फास्ट होता है तो एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना के ये रिएक्शन से आउट हो जाएगा यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ अब यहाँ पर डबल बॉन्ड जैसे ही बना बस इसी के रिगार्डिंग जो है आगे बढ़ते चलेंगे और यहां, यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड ब्रेक करेगा और इसका का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पे जाके कर जाएगा तब अब देखिए कुछ सिचुएशन ऐसा बनेगा कि यहां पे यहां पे देखिए डबल बॉन्ड बन गया ये है और एक हाइड्रोजन यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे हो गया माइनस चार्ज अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा क्या इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं ऑब्बियस सी बात है बड़ी आसानी से जो है हम लोग इसका जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है यहां पे ड्रॉइन कर सकते हैं कैसे तो देखिए यहां, यह तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा और फिर ये बॉन्ड ब्रेक करके जो इस कार्बन एटम पे जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जा जा जा। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो हमारे सामने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इन दोनों में से कौन बेस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो जो क्या करेगा जो बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा मतलब जो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा तो देखिए आप ये दोनों को बड़े ध्यान से देखिएगा तो पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरे में जो है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है कार्बन आइटम से अधिक होती है इसलिए ऑक्सीजन पर अगर कभी भी नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वो वो कभी भी वो अपना नेगेटिव चार्ज जो है वो शेयर नहीं करना चाहेगा मतलब न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराने के लिए जो है उसको अपना नेगेटिव चार्ज तो देना

अब देखिए फिर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन एटम पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज ठीक है और यहां पे जो है फिर ये क्या हो जाएगा ये जो सी जो है इस कार्बन के साथ अटैच हो गया यहां पे देख पा रहे हो आप बाकी ये सारा ग्रुप जो है ये ऑलरेडी इधर आ गया आप ओ ई टी लिखो या फिर ओ सी टू एच फाइव लिखो बात बराबर है ठीक है तो यहां पे हो गया अब यहां पे फिर नेक्स्ट में क्या हो सकता है तो देखिए ऑक्सीजन पे जो डबल बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन एटम पे एज ए नेगेटिव चार्ज आया ये फिर से क्या हो जाएगा फिर से रिवर्स कर जाएगा प्रोसेस और फिर यहां का जो है नेगेटिव चार्ज